और वहीं एमपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। सुलोचना रावत ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों को ठगने का आरोप लगाया। अब जोबट सीट से बीजेपी के टिकट पर सुलोचना रावत दावेदार मानी जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस में इसको लेकर खलबली मची है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद टिकट पर मंथन के बीच उठा पटक और सहमत का खेल शुरू हो गया है। इसकी तस्वीर भोपाल में रविवार को देखने को मिली, जब कांग्रेस की वरिष्ठ आदिवासी नेता सुलोचना रावत अपने बेटे विशाल रावत के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली। सुलोचना रावत को बीजेपी में शामिल कराकर जोबट सीट पर कांग्रेस को बीजेपी मात देने की कोशिश में है। 2018 विधानसभा चुनाव में अरावत परिवार जोबट सीट पर टिकट का दावेदार था, लेकिन जैस से गठबंधन के तहत ये सीट जैस के खाते में चली गई। जैस की कलावती भूरिया को कांग्रेस की टिकट पर लड़वाया गया था। सुलोचना रावत जोबट सीट से 1998 और 2008 में विधायक रही हैं। सुलोचना रावत दिग्विजय सरकार में राज्य मंत्री रही हैं। विशाल रावत को 2013 में कांग्रेस ने टिकट दिया था। विशाल रावत 2013 का चुनाव हार गए थे। 2018 चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़े। वापस कांग्रेस में आने के बाद टिकट की दावेदारी कर रहे थे। बीजेपी का दामन थामने के बाद सुलोचना रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा, आदिवासियों को ठगने का आरोप लगाया। हमारे अलीराजपुर और जोबट क्षेत्र के आदिवासी जनता का विकास हो, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे वीडी शर्मा से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे काम होए, विकास होए, मैं आप लोगों से ये विनती करती हूँ। इस मौके पर सीएम ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सुलोचना रावत के बीजेपी में शामिल होने को लेकर आदिवासियों को सरकार की नीति से प्रभावित होना बताया। लेकिन कमलनाथ जी अपना घर देखते नहीं हो भाई, अब आप बिकाऊ की बात करते हो, बल्लभ भवन में कौन कौन दलाली खाता था ये तो बता दो पहले, शर्म नहीं आती ये कहते हुए? लोगों का सम्मान करना जानते नहीं हो, और दिल्ली से लेके भोपाल तक यही हाल है कांग्रेस का। उधर राज बाबा उदाहरण में लगे हुए, अच्छी चलती खाती पंजाब की सरकार का कबाड़ा कर दिया और हमें दोष दे रहे हो। प्रधानमंत्री आवास से लेकर के केंद्र सरकार राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने और महिलाओं के लिए जो काम जनजातीय क्षेत्र में जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इन सारी बातों से प्रभावित होकर सुलोचना जी ने और विशाल रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं कांग्रेस ऐसा दर्शा रही है कि सुलोचना रावत के बीजेपी में शामिल होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुलोचना रावत ने ये पहली बार बगावत नहीं की है। सुलोचना रावत का इतिहास रहा है कि वो इस प्रकार पार्टी के मान सम्मान और जनता के प्यार को ठुकराती रही हैं। सुलोचना रावत दमोह की राहुल लोधी की तरह साबित होंगी। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में शह और मात का खेल चल रहा है, लेकिन शह और मात के इस खेल के बीच टिकट पर दोनों दलों में माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर सीट से नितेंद्र राठौर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन दोनों दलों में टिकट का हाल एक अनार सौ बीमार वाला है। हर सीट पर कई दावेदार हैं, जिसको लेकर दोनों दलों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। टीम न्यूज़ स्टेट।